राम राम भाई साहब ने। तो भाई कल एशियन गेम्स की ट्रायल्स थी हमारी दिल्ली में आईजी स्टेडियम में कुश्ती की। हम भी जा रहे थे भाई देखने, अपना भी छोटा भाई कुश्ती करे है और भी खेला था। तो जाते ही पहला तो जो मेरे भाई से पहलवानी करे हैं दो चार, उन्होंने मैं टोकया कि भाई बोलता क्यों ना तू, जब तो बड़ी वीडियो बनाओ था सपोर्ट में। तो भाई जब तो स्पोर्ट में वीडियो बनावा थे तो उसका मकसद तो उसके पीछे यो था भाई कि फेडरेशन गलत कर रही है और हम अपने बाण भाई की गेला सा। तो मेरे जिसे और जितने भाई हैं सब बगिया सोच रहा है मेरे ख्याल में। तो मैं तो अपनी सोच बताऊं हूँ, पहला जो थियोरी जो है जो कल देखा है जो लग गया। कल रवि दैया हमारा ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है भाई, उसने भी ट्रेल दी, जीता आ रहा सो बात है भाई, खेलेंगे तो हारे भी का जीते भी का कोई मैटर नहीं करता। तो भाई दीपक पूनिया ओलंपियन है भाई हमारा, स्टार भाई है, उसने भी ट्रायल दी और बहुत बढ़िया बढ़िया कुश्ती दिखाई भाई छोरे ने, दिखे था भाई। और बजरंग वाली बात पा जाओ, बजरंग हमने देखा था भाई जाया पाओ का, हो सके है कुछ कुछ चल रहा सोशल मीडिया पे, तो मैं ग्राउंड की बात करूँगा तो बजरंग ना ट्रायल ना दी भाई कल। तो 65 किलो में जो कंपटीशन था, कोई देखेगा तो पता लग जाए भाई, ओलंपिक लेवल के 65 में कई बालक हैं जो आपस में बहुत कट्टा कुश्ती थी जिनकी, कोई किसी के ऊपर इतना हैवी नहीं था कि बोल सके भाई एक तरफा है। तो विशाल कालीरमन भाई है छोटा, उसने कल क्वालिफाई करा एशिया के लिए और उसका फोटो आपने देखा भी होगा वायरल है, उसकी आंख फूट रही है। तो मतलब बहुत बहुत कड़ी कुश्ती हुई है, कट्टे की टक्कर जिसने कहा करो, और एक नहीं चार या पांच कुश्ती थी भाई की, सारी की सारी कुश्ती इतनी टफ थी, कोई बच्चा ऐसा नहीं था तैयारी के बिना आ रहा था, सब बहुत अच्छी तैयारी में थे। उसकी फाइनल हुई थी राहिल के साथ, रोहित के साथ, और भाई और भी नीचे बालक थे, रविंदर था, मुकुल दैया था। तो 5-7 छोरे इतने तगड़े है 65 किलो में, विशाल उनमें सबसे तगड़ा है, ही गोल्ड आया है। तो भाई दुख हुआ है यार, ये बजरंग तू भी तो कुश्ती करे था भाई, तो तू भी तय ट्रायल दे के जो तेरे तो ऊपर पहला चैंपियन थे आज, तो जैसे कि आज आप चैंपियन है, आप तो पहला भी तो कोई चैंपियन होगा जिसकी जगह पे आपने भारत देश को अपने को रिप्रेजेंट किया था। तो अब टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर तेरे में दम है भाई, तू है पहलवान बढ़िया है, देख तगड़ा है तू, तने प्रूव कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं। पर हर महीने हर साल में फर्क पड़े है भाई, जो बालक तगड़ी मेहनत करे है वे आगे आ सके हैं। तो हम तो यही चाहवागे भाई, देश की तरफ तो तगड़ा पहलवान है वो ट्रायल दे जीते और जावे। और भाई मैंने जो मेरे दिमाग तक लग रहा ऐसा है, देखो आपने बहुत बढ़िया काम करा, सारी खाप मतलब, और हमारे जिसे सारी जनता जो थोड़ा बहुत भी कुश्ती ने जाने है नजदीक है, या फिर आम जनता जो कुश्ती से मतलब नहीं रखती, पर हमारे देश के मेडल की इज्जत करे हैं जिनने थारे मेडल जब चीयर करा था। तो इसी प्रकार जब आप धरने बैठे थे तो सारी पब्लिक ने आपका बहुत दिल से सपोर्ट करा था और आपकी बहुत अच्छी एक छवि बन गई थी आम पब्लिक की नजरा में और खिलाड़िया की नजरा में कि भाई बढ़िया कर रहे हैं। पर आप एक बात बोलो थे, मैं खुद के लिए नहीं कर रहे, हम जूनियर खिलाड़िया के लिए कर रहे हैं, उन्हें छोटे भाई बहना के लिए कर रहे हैं। तो भाई विशाल भी तेरा छोटा भाई है, हर भाई विनेश बहन ते भी बोल लेंगे कि जो तेरे वजन में छोरी है भी तेरी छोटी बहन है, इनने क्या गलती करी है भाई, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं इतने साल दिन के करके भी खवा है, जब आपका टाइम आया तो आप चैंपियन बन गए और आप अभी भी चैंपियन के काबिल मेहनत करो हो तो भाई ट्रायल दे दो यार भाई, अगर नहीं दोगे। मैंने तो बजरंग दोरे मैसेज भी भेजा था पर बड़े ना उसने कि भाई गलत है इबे यार, अगर मान के चल तू सीधा एशिया में गया भी है खेलने, आप मेडल भी लेके आओगे ना भाई, मेरे जिसे किसी ने भी खुशी ना होनी, क्योंकि हम तो चाहवांगे तेरी और विशाल की ट्रायल हो। चल तू चैंपियन है, इतना बड़ा खिलाड़ी है तो सब गिल ट्रायल मत दे, ठीक है कोई ना, फेडरेशन भी इस्त्रिया करती होगी, पर विशाल जो फर्स्ट आया है उसका तो तेरे गिल्ला एक गेम होना चाहिए जिस तरह शांति मिल रहा है,
के भाई बजरंग मेहनत कर रहा था, देख विशाल हरा लिया या विशाल गेल तू हार जाएगा, तो विशाल मेहनत कर रहा था, सिंपल बात है। और तू खेल खेल रहा है यार, कोई राजनीति का खेल थोड़ी है यो कि जीते जागा जब इज्जत इस मार के भी इज्जत है खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी हारेगा चाहे जीतेगा सीधी बात है, तो इसमें इज्जत ना कट्टे भाई। पर बहुत बढ़िया लगेगा अगर तू ट्रेल देगा अपनी मर्जी तक है, बोल दे भाई फेडरेशन ते या खेलने की मना कर दे यार कुछ भी कर दे, पर ट्रेल देने पे ना जाइए ना मेरे भाई, यो टपोरी लालच दे रखा है भाई। अगर राजनीति वाला की सुनकर तू चल रहा होगा या फेडरेशन उनने के चलाई चलाना चलेगी, यो खाम खा का एक लोभ दे रखा जिस तरह तेरी मार्केट में बिल्कुल अपने आम भाई बाणा में खिलाड़िया में बड्डे छोटे में खापा में भी इनके जो हमारे बड्डे हैं वे भी इस बात पे तेरे तो बहुत घने खपा हो जाएंगे भाई अगर तू चला गया तो। मैं तो तेरे कह सकूं अपना भाई है तू भी उभार का ना है, तो भाई मेरा मानना यो है कोई भी मेडल अगर इज्जत खराब हुआ है तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीरो है। जैसे कि आप ना ओलंपिक के मेडल फेंकने थे आप चले गए थे गंगाम प्रवाहित करने थे, सिर्फ इज्जत की वजह से गए थे क्या आपने लग रहा इज्जत को ना था मेडल आके, अगर आप अगर चले गए ना खेलने मेडल आओ ना हो शोभा कि मई बात ना तो इज्जत कती चली जाएगी भाई। कल बड़का में पहलवाना था जो मिल गया था ना मैं वे बहुत ज्यादा गुस्सा थे इस बात पे कि कह के था और करे की है, सीधा सीधा मकसद दिख जाएगा भाई, जो जिसके एंट्री पने में आप खड़े थे जिसके बारे में बोल रहे थे ना उनको एक सीधी सीधी वजह मिल जाएगी कि ये डायरेक्ट खेलने के लिए ही ये सब कर रहे थे और अब ये डायरेक्ट खिला दिया तो इनको जरूरत नहीं रही, ये लालची हैं। तो भाई इमेज खराब ना कराओ यार, थारी के लाम भी जुड़ रहे थे पता ना के जुड़ रहा था आपके साथ में, तो भाई आपकी इज्जत और हमारी इज्जत ने बचाने थी यार। तू ट्रायल के लिए एक वीडियो बना दे भाई एक बढ़िया ऐसी बजरंग ना, तो ये जो स्टारडम है ना ये जीरो है, अगर हम किसी ने नहीं मानना है तो मरती कुछ भी को ना, और पता है तेरी सोच और हमारी सोच एक सी है, अगर मानना है तो मरती सब कुछ, अगर नहीं मानना है तो कुछ भी को ना, तो कितने मेडल ले जाइए भाई फिर अपने आदमी आई नजर आमदनी कराया करें। एक वीडियो बना के मैं भी ट्रायल दूंगा, ना बनाता तो तेरी मर्जी, राखी अपने मेडल टांग लियो भाई, ना तेरे तो जब कोई लालच था ना जब बस भाईचारे की अरे गए, जब ये बात थी कि भाई भाड़ा के गलत हो रहा है हम घर बैठे, एक बार तो हमारा जान का हक था बैठ ना सकते, तो हमारा जो ड्यूटी थी हमने निभाई, ईब जी ड्यूटी भाई सोशल मीडिया की जब हेल्प थी सोशल मीडिया बाज कहन ला करे यहाँ भाई, विशाल बहुत कसूती कुश्ती खेल रहा है और यार रवि दहिया भी तो ओलंपिक मेडलिस्ट है उसकी इज्जत खराब ना हुई क्यों भी आ रहा है, अगर थारी मानसिकता के हिसाब से चल लेंगे तो इज्जत तो उसकी भी खत्म हुई, पर कुछ ना होया सीधी सीधी सब नहीं होगा भाई, दो गुड़ेंगे तो एक पड़ेगा, हार गया क्या हो गया, कम मेहनत हो रही होगी चोट लाया तुम भी हार जाओगे तो क्या हो जाएगा, सब ने दिखा भाई दो तीन महीने तारी मेहनत ना हुई, पर यार लालचपना मत दिखने दो लालच, बढ़िया त्रिया एक सोच समझ के एक बढ़िया अपने छोटे बड़ा दी एक वीडियो बना के दे भाई, चलो थैंक यू। बाकी दीपक पुनिया की कुश्ती मैंने रिकॉर्ड करी थी वह मैं इस वीडियो के एंड में जोड़न लग रहा हूँ, सारे भाई देख लियो। बाकी ये मेरे विचार हैं और जो मेरे साथ में बड़े छोटे रहे अगर कुश्ती के जानकार भी हैं दो चार बात भी अगर कहना चाहूंगी तो एक वीडियो में कल अलग से उनके लिए भी डाल दूंगा, उनकी भी सुन लियो, क्योंकि ये 10-20 आदमी का समाज है अगर जो हम सोचे सब सोचे अगर, तो इतना ही कहना था भाई कुश्ती ने लेके। राम राम फाइनल कुश्ती जोन दीपक पुनिया की इंजुरी रेडी
बाकी कुश्ती मेरा पढ़ता है नहीं। चार मिनट तीस सेकंड फिर पशु पहलवान रामदेव 125 केजी फाइनल ब्रॉन्ज मेडल गांव सुखेंद्र सिंह हरियाणा मोहित हरियाणा पहलवान के दोनों ही रूप में बैठ के ऊपर टिके हुए हैं, जो रेड कॉप का पहलवान है और वो ग्राउंड के अंदर ही आउट ऑफ बाउंड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं।